हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है सरफराज क्रिकेट टीवी पर। अभी जो कंट्रोवर्सी चल रही है विराट कोहली, रोहित शर्मा और बीसीसीआई के बीच में, बीसीसीआई ने जो ऐलान कर दिया था कि रोहित शर्मा ओडीआई की कैप्टनसी भी करेंगे, तो उसको लेकर बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है। क्रिकेट ट्रैकर ने इस न्यूज़ को ब्रेक किया। उन्होंने बताया है कि रोहित शर्मा जो है वो खुद ओडीआई का कैप्टन बनना चाहते थे। जी हाँ दोस्तों, वो डिमांड कर रहे थे बीसीसीआई से कि बीसीसीआई उनको ओडीआई और टी20 व्हाइट बॉल का कैप्टन बनाए। तो इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, विराट कोहली ने टी20 से कप्तानी छोड़ दी थी। तो इससे पहले ये बताया जा रहा था कि बीसीसीआई का भी वहां पर हाथ था और उन्होंने विराट कोहली से कैप्टेंसी छीनी थी। तो उसके बाद एक जो लग रहा था, जो ज्यादा मोस्ट लाइकली थे कि विराट कोहली के बाद कौन कैप्टन का हकदार है टीम में, स्क्वाड में, तो वो रोहित शर्मा ही थे, जिनका काफी अच्छा रिकॉर्ड है और आईपीएल में तो उनके पास 5 ट्रॉफी है। तो वही एक कैप्टन लग रहे थे विराट कोहली के बाद। देन उसके बाद रोहित शर्मा को जब कैप्टेंसी संभालने को दी गई टी20 की, तो रोहित शर्मा जो है क्लियरिटी करना चाहते थे कि वो है क्या, वो टी20 के कैप्टन है, ओडीआई के कैप्टन है। वो ये चाहते थे, सीधी सी बात है, कि व्हाइट बॉल की कैप्टेंसी उनको मिले और विराट कोहली रेड बॉल की कैप्टेंसी करे। तो वो बहुत ही ज़्यादा बीसीसीआई के पीछे लगे हुए थे कि मुझे बताओ मैं हूँ क्या, मेरा क्या रोल है इस टीम में, मैं टी20 की कैप्टेंसी नहीं करूँगा, उन्होंने बोला था रोहित शर्मा ने, जब तक उनको ओडीआई की कैप्टेंसी नहीं मिलेगी। उन्होंने बोला था कि मैं दोनों फॉर्मेट की ओडीआई टी20 की कैप्टेंसी करूंगा, जब तक मेरे को ओडीआई की कैप्टेंसी नहीं मिलेगी तो मैं टी20 की कैप्टेंसी भी नहीं करूंगा। रोहित शर्मा ने सीधा ऐसे मना कर दिया था। तो फिर उसके बाद बीसीसीआई ने विराट कोहली को 48 घंटे का टाइम दिया था, जहां पर विराट कोहली जो है अपने फैसले पे डटे हुए थे। देन उसके बाद फिर बीसीसीआई ने रोहित शर्मा को ही कैप्टन बना दिया और जो चाहते थे रोहित शर्मा वो उस चीज में कामयाब हो गए और अब वो व्हाइट बॉल के कैप्टन बन चुके हैं। तो रोहित शर्मा की जो ये जीत थी उसके सामने बीसीसीआई की एक नहीं चली। तो इसके पीछे क्या है, क्या लॉ चल रहा है, क्या रोहित शर्मा के पीछे कौन सपोर्ट कर रहा है, जो वो इतने बड़े, मतलब उनका वो दर्जा हो गया, इतने बड़ी बात उन्होंने कह दी कि जब तक मैं टी20 की कैप्टेंसी नहीं करूंगा, जब तक मेरे को ओडीआई की कैप्टेंसी नहीं मिलेगी। और विराट कोहली जो खुद इतना बड़ा नाम हो चुका, उसकी वजह से, रोहित शर्मा की वजह से बीसीसीआई ने विराट कोहली को हटा दिया। तो इसमें कौन बीसीसीआई मिला हुआ है, रोहित शर्मा क्या चाहते हैं, अभी जो अंदर जो चल रहा है, कैमरे के सामने कुछ और है, सौरभ गांगुली आकर कुछ और बयान दे रहा है और अभी रवि शास्त्री का बहुत ही ज्यादा बयान आ रहा है, वो जो टीम जब वो एज अ कोच थे टीम के साथ, तो क्या चल रहा था टीम का माहौल, वो सारी चीज़ें उन्होंने बयान की है। तो ये इससे ये सारी चीज़ें तो पता चल रही कि अभी बीसीसीआई विराट कोहली रोहित शर्मा के बीच में कुछ भी सही नहीं है और अंदर जो है इनके बीच बहुत ही ज़्यादा इख्तिलाफ है। तो बीसीसीआई ने विराट कोहली के साथ इतना बड़ा गेम प्लान किया, उन्हें कैप्टेंसी से हटाया सिर्फ इस वजह से कि रोहित शर्मा कैप्टेंसी चाहते थे ओडीआई की भी। और उसके बाद सौरभ गांगुली आके ये बयान दे रहे हैं कि व्हाइट बॉल का दो अलग अलग कैप्टन नहीं हो सकते, एक ही कैप्टन रहेगा व्हाइट बॉल का। तो ये खबर आई है जो कि मैंने आप लोगों तक पहुंचाया हूं। आप लोग इस पर क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना और क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।